धाकड़ महासभा सुनेल की टीम पहुंची ग्राम सांकली खेड़ा में। धरणीधर मंदिर निर्माण सहयोग राशि है तो हुआ गांव वासियों की ओर से जोरदार स्वागत। अब खबर विस्तार से। धाकड़ लाइव न्यूज में आपका स्वागत है, जो रखे आपको हर प्रकार की खबर से अपडेट। धाकड़ महासभा सुनेल क्षेत्र के द्वारा ग्राम नगर सुनेल में धरणीधर मंदिर निर्माण हेतु चलाए जा रहे मिशन हेतु सहयोग राशि के लिए ग्राम सांकली खेड़ा में महासभा से दौलत राम जी धाकड़ अध्यक्ष, नव मनोनीत धरणीधर मंदिर समिति अध्यक्ष धाकड़ भूपेंद्र जी मंडलोई, राम नारायण जी धाकड़, कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल जी धाकड़, पूर्व अध्यक्ष भवानी राम जी धाकड़, युवा अध्यक्ष रामकरण जी धाकड़ रायती गांव में पहुंचे, जहां पर सुरेशचंद जी धाकड़ स्थानीय निवासी, तहसील अध्यक्ष सुरेशचंद जी धाकड़ स्थानीय निवासी, राधेश्याम जी धाकड़ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, दिनेश चंद धाकड़, प्रतीक सिंह जी धाकड़, गोविंद जी धाकड़, अर्जुन जी धाकड़, आर्यन धाकड़, महेश धाकड़, दीपक धाकड़, बालचंद जी धाकड़ एवं अन्य सभी समाज बंधुओं के द्वारा दिनेश जी धाकड़ के विशेष सहयोग के साथ सभी ग्रामवासियों ने जोर शोर से पूरी टीम का स्वागत किया गया और मंदिर के सहयोग राशि हेतु हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक सीजन की एक फसल की एक किस्त और दूसरी किस्त दूसरी फसल की दोनों की मिलाकर यहां पर सहयोग राशि दी गई और आगे भी यहां से सहयोग मिलता रहेगा। हर फसल के साथ एक किस्त 700 रुपये की, एक वर्ष की 1400 रुपये की किस्त दोनों मिलके होती हैं, जिनको यहाँ पर पूरी तरीके से देने का खुशी खुशी सबने प्रयास किया। यहाँ पर एक खास बात यह भी रही कि 11000 रुपये की सहयोग राशि के साथ श्री रामचंद्र जी धाकड़ पटेल ने भामाशाह के रूप में अपना नाम लिखवाया, जिनका सभी ग्रामवासियों ने उत्साह किया और टीम ने भी जो बाहर से पहुंचे थे उनके द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। दर्शकों, आपको हमारी कवरेज कैसी लग रही, अपनी राय देते रहिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी आपको खबरें मिलती रहे। धन्यवाद।